हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य गोयल। आई हैव डन माय सी आईपीसीसी एंड सीएस एग्जीक्यूटिव एज वेल, एंड आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कॉमर्स 2 टाइम्स। एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग एंड गिविंग माय सर्विसेज इन क्रिसेंट पब्लिक स्कूल फतेहाबाद इन द कॉमर्स डिपार्टमेंट। टुडे आई एम हियर with a lecture on why should students go with commerce after passing 10th standard. There is a general tendency of the parents as well as students ki sir sabse upar medical stream hai, then non-medical, then commerce and then arts. ऐसा पहले चलता था और पहले parents के as well as students के mind में भी रहता था। Students ये सोचते थे when देवर इन टेंथ, जब वो टेंथ में होते थे, तो सर आर्ट्स कौन लेगा, कॉमर्स कौन लेगा। कॉमर्स और आर्ट्स वो स्टूडेंट्स लेते हैं जो स्टडीज में थोड़े एवरेज होते हैं। जो मेडिकल लेता है वो तो एक टॉप टॉपर स्टूडेंट ही लेता है। क्यों? क्योंकि मेडिकल को ये सोचते हैं कि दैट यूज टू बी वन ऑफ द टफेस्ट फील्ड्स, फिर नॉन मेडिकल, फिर कॉमर्स और फिर आर्ट्स। और उसी चीज को वो उनके स्कोप से जज कर लेते थे कि सर मेडिकल का स्कोप बहुत है, नॉन मेडिकल का स्कोप बहुत है, कॉमर्स का स्कोप बहुत है, और फिर अकॉर्डिंगली आर्ट्स का स्कोप है। बच्चे आज के टाइम में ऐसा सिनेरियो नहीं है। इनफैक्ट ऑल द स्ट्रीम्स, अगर मैं कहूं ऑनेस्टली, तो दे ऑल स्टैंड एट द सेम प्लेस। और इन केस अगर आप हियर इज द लेक्चर ऑन व्हाई शुड स्टूडेंट्स गो विद कॉमर्स और आर्ट्स After passing 10th, they should not bear in mind कि सर हमारा मैथ्स अच्छा है 10th में, हमारा साइंस अच्छा है 10th में, so we shall go with non-medical or medical. अभी रिसेंटली मैंने एक पेरेंट्स से बात की, उनको काउंसिल किया, तो ही सेड कि सर मेरा बच्चा मैथ्स और साइंस में अच्छा है 10th में, तो एक बार प्लस वन टू तो साइंस से ही करेगा, आगे देखेंगे कि आगे क्या करवाना है। सो दैट इज नॉट द केस। आपको आगे क्या करना है, दैट क्लियरली लाइज ऑन व्हाट यू परस्यू आफ्टर 10th। आप 10th के बाद कौन से फील्ड में जा रहे हैं? लेट्स से अगर आपने बैंकिंग में जाना है, आपने प्रोफेशनल, आपने अकाउंट्स में जाना है, आपने इनकम टैक्स में जाना है, तो भैया उसी लाइन को पकड़ लीजिए ना जिसमें आपको एक्चुअल में जाना है। इनकेस यू हैव टू गो टू दिल्ली, देन बच्चे क्यों नहीं आप दिल्ली का शॉर्ट एंड फास्टेस्ट रूट अप्लाई करते हो? क्यों पहले सर उसके लिए कहीं और जाना है, फिर उसके लिए कहीं और किसी और प्लेस पे जाना है, और फिर वहां से घूमते फिरते हुए दिल्ली पहुंचना है 10-12 घंटे में? वाई सो? इफ वी कैन रीच दिल्ली फ्रॉम हेयर विद इन 4 आवर्स बाय पर्सनल कार, देन वाई रीच दिल्ली इन 10 आवर्स? वाई रीच दिल्ली इन 6 आवर्स? एक छोटा सा एग्जाम्पल। अरे भैया बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी थी तो सीधा का सीधा कॉमर्स लाइन से आर्ट साइंस से क्यों नहीं आए? स्पेसिफिकली अगर बोलूं तो सारा का सारा अकाउंटिंग फील्ड है, फाइनेंशियल फील्ड है, वाई नॉट कॉमर्स देन? So, which I am here with a video on why should students go with commerce after pursuing 10th. Mind में ये नहीं होना चाहिए कि सर स्कॉप नहीं है, स्कॉप एंडलेस है, बहुत से एंडलेस ऑप्शंस हैं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम अपने पास रखते हैं तो यू आर एलिजिबल टू डू वेरियस कोर्सेज, यू हैव गॉट वेरियस ऑप्शंस टू गो विद। सबसे पहले हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज से स्टार्ट करते हैं। कोई भी कॉमर्स ले रहा है तो आपके माइंड में आता है कि सर कॉमर्स में तो सिर्फ और सिर्फ सीए ही है। जैसे मैं खुद आई डन माय सीए आईपीसीसी एट अ सिंगल गो, बोथ अटेम्प्ट्स एट वन गो, फिर मैंने मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव किया, आई मीन सीए फाइनल एंड सीएस फाइनल एज वेल। तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ सीए या सीएस नहीं है यहां पर। सो लेट मी ब्रीफ यू ऑल बच्चे, प्रोफेशनल कोर्स बाय कॉमर्स वेरियस कोर्सेज विद एंडलेस स्कोप, एंडलेस स्कोप है, एंड प्रॉमिसिंग फाइनेंशियल पैकेजेस एंड परक्यूजिट्स, और बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल पैकेजेस हैं। जैसे मैं फर्स्ट कोर्स की बात करूं तो एक्चुअरियल साइंस, वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेबल कोर्स एंड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन इंडिया। एक्चुअरीज बच्चे एट प्रेजेंट इंडिया में बहुत ही कम नंबर ऑफ एक्चुअरीज हैं। ये कोर्स किया जाता है एक्चुअरियल साइंस के थ्रू। आफ्टर प्लस टू यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद आईएआई, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया।
अगर आप नेट पे इसके बारे में सर्च करेंगे यू विल गेट टू नो कि इस कोर्स का कितना स्कोप है। सर एंडलेस पैकेजेस जाते हैं इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट्स में, जो आपके पास इंश्योरेंस कंपनीज आपने सुना होगा LIC है, ICICI है, आदित्य बिरला ग्रुप है। सर एक पर्टिकुलर पर्सन को इतने रुपए इन्वेस्ट करने के बाद इतना अमाउंट मिलेगा, तो वो सब कैलकुलेशंस काउंट करके देता है एक्चुरीज। सेकंड CFA स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। आई वुड से जहां पे CA का काम खत्म होता है वहां पे इसका स्टार्ट होता है। सर CA इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो CFA है दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। जो भी अकाउंट्स हम बनाते हैं उसको एनालाइज करके उनके बेसिस पे डिसीजंस कैसे लेने हैं, CFA कंपनी को गाइड करते हैं कि सर अब आपको ये करना चाहिए एंड सो ऑन। सर CA यू माइट हैव हर्ड ऑफ वेरी क्लियरली, कुछ बच्चों के माइंड में ये है कि सर CA तो होती नहीं है और एक बार अगर किसी पेपर में फेल हो गए तो सारा का सारा कोर्स दोबारा से करो। बच्चे किसी की बातों पर भरोसा मत करो, सुनी सुनी बातों पर, डू नॉट ट्रस्ट पीपल जो आपको कहते हैं हाँ जी सर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो पूरा कोर्स दोबारा करना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ CA और CS से रिलेटेड। सर एक बात बताएं, अभी आप 10th में हैं, 10th के एग्जाम्स दे रहे हैं या ड्यू टू कोरोना वायरस वो एग्जाम्स बीच में लटक गए हैं। टेल मी वन थिंग, आपने 8th स्टैंडर्ड किया सर पास हो गए तभी तो 9th में हुए, आपने 9th किया तभी तो 10th में हो गए। सर यू हैव क्लियर्ड योर 8th स्टैंडर्ड, लेट से एक पूरा कोर्स है जहाँ पे 3 क्लासेस हैं 8th 9th एंड 10th, आपने 8th स्टैंडर्ड क्लियर कर लिया उसके 5 के 5 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट्स व्हाटएवर, यू आर प्रमोटेड टू स्टैंडर्ड 9th, आपने 9th में 6 सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए, यू आर प्रमोटेड टू स्टैंडर्ड 10th। अगर कोई बच्चे 10th में फेल हो जाता है तो आप लोग मुझे बताएं क्या उसको दोबारा 10th करनी पड़ेगी या फिर 8th भी करनी पड़ेगी, 9th भी करनी पड़ेगी और 10th भी करनी पड़ेगी? द आंसर इज वेरी मच क्लियर एंड आई थिंक यहां से आपको इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है। सर 3 लेवल है, अगर आप किसी एक लेवल में अटकते हैं तो आपको सिर्फ वही लेवल क्लियर करना है, ऐसा नहीं है कि सर स्टार्टिंग से उठाना पड़ेगा, नॉट एट ऑल। सो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑप्शंस इन द कमिंग टाइम इन द कमिंग वर्ल्ड, जिसका स्कोप इंडिया में तो एंडलेस है ही है एंड ग्लोबली भी देखें तो सर देयर इज नो वन मैचिंग दिस कोर्स। मुश्किल नहीं है, इजीली है, इजी हो जाता है। देन कम्स CS कंपनी सेक्रेटरी। आज के टाइम में कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को या कंपनीज को अपनी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरीज को एम्प्लॉय करना पड़ता है, ठीक है। आज के टाइम में अगर मैं CS की बात करूं इंडिया में तो अप्रोक्सीमेटली 600,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और इंडिया की पॉपुलेशन 130 crore प्लस है, तो जस्ट लुक एट द सिनेरियो कि सर CA का कितना स्कोप है। आप लोग देखते होंगे आसपास की सर कोई भी आपको CA मिल जाता है, तो बच्चे कोई भी CA मिल जाता है तो इन केस अगर उसके पास नॉलेज है देयर इज नो वन हु कैन बीट चार्टर्ड अकाउंटेंट और CFA और एक्चुअरी और CS। देन कम्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। बड़ी बड़ी कंपनीज में फाइनेंस को मैनेज करने के लिए ऑफिसर्स होते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सर मैनेज कैसे करना है चीजों को, ये सब बच्चे दीज आर सम ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज जो मैं आपको बता रहा हूँ विच यू कैन स्टार्ट परस्यूइंग आफ्टर प्योर प्लस टू। सर 10+1 किया, प्लस टू किया और उसके बाद 4 साल के बाद 5 साल के बाद यू विल बी इन अ पोजीशन टू अर्न वेरी गुड पैकेजेस। सर 20 lakh का पैकेज मिल रहा है, 30 का मिल रहा है, 50 का मिल रहा है, 10 का मिल रहा है, तो बच्चे 4 साल के आफ्टर प्लस टू आपने 4 साल अच्छे से दे दिए एंड नाउ यू आर एलिजिबल टू अर्न ₹1 lakh अ मंथ, ₹2 lakh पर मंथ। जब तक आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे तब तो पैकेजेस और भी ज्यादा हाई हो जाएंगे। सर CLAT कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो आफ्टर प्लस टू जैसे साइंस वालों के लिए, नॉन मेडिकल वालों के लिए IIT का होगा, मेडिकल के लिए अब नीट हो गया है, सिमिलरली कॉमर्स वालों के लिए दिस इज CLAT। इनकेस अगर कोई जुडिशियरी में जाना चाहता है, इफ समवन वांट्स टू बी जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशंस जज, कोई अच्छे से LLB LLM करना चाहता है, कोई बड़ा एडवोकेट बनना चाहता है, वो इस एग्जाम को क्लियर करें एंड अच्छे नंबरों से और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, नेशनल और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले। बच्चे जिसने वहां पे एडमिशन ले लिया फॉर श्योर है कि वो एक अच्छे पैकेज के साथ बाहर निकलेगा, कैंपस प्लेसमेंट के साथ बाहर निकलेगा। CLAT के थ्रू आप करते हैं LLB plus LLM, दैट इज बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ एंड मास्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ।
एक छोटा सा एग्जांपल है बच्चे, आपने सलमान खान का केस सुना होगा, जो वो डियर पॉचिंग वाला केस था, हिरन को मार दिया था। या फिर सलमान खान ने फुटपाथ पे कुछ लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी थी, तो बच्चे उसने, सलमान खान ने जो एडवोकेट हायर किया था, दैट इज हरीश सालवे। और बच्चे हरीश सालवे एक हियरिंग की 5 करोड़ रुपीज की फीस चार्ज करता है। तो मतलब मे बी ये जो 5 करोड़ रुपीज है, ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा, वो एग्जैक्ट डेटा ना हो, लेकिन उसकी जो भी टीम है सारी 5 स्टार्स में स्टे करती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि बच्चे स्कोप बहुत है। लेक्चरर, प्रोफेसर, जैसे मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है, तो आई एम एलिजिबल टू बी अ प्रोफेसर, दैट इज आई एम एलिजिबल टू टीच इन कॉलेज, इन स्कूल्स, एंड आई एम एलिजिबल टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ ए ग्रेड। बच्चे एक ग्रेड का स्केल होता है, ऑफिसर स्केल होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, सीए, या फिर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में पर्टिकुलर आइटम्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये एम्प्लॉय करने पड़ते हैं। एंडलेस स्कोप है। आफ्टर प्लस टू आपने अपनी लाइफ के 4 साल यहाँ पे दिए, एंड यू विल एंजॉय फर्दर 40 इयर्स ऑफ योर लाइफ। सीधा सा 4:40 का रेशियो है, 4 साल तरीके से दो, एंड स्टार्ट अर्निंग, वेरी गुड पैकेजेस, वेरी गुड परक्यूजिट्स, वेरी गुड फैसिलिटीज, अमेनिटीज, एंड एंजॉय योर लाइफ। फिर आते हैं बच्चे हमारे पास और प्रोफेशनल कोर्सेज में। सर प्लस टू के बाद बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, पहले ग्रेजुएशन करें फिर बैंकिंग की प्रिपरेशन करें। प्लस टू के बाद सर इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। सर सीधा का सीधा इनकम टैक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, कस्टम्स में जाना है, एक्साइज ऑफिसर बनना है, तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आजकल तो आपने वो सुना होगा जीएसटी का और भी ज्यादा चला हुआ है, सर जीएसटी में आपको जॉब चाहिए, दैट इज ट्रू। सर्विस टैक्स एंड जीएसटी वो सीबीडीटी के अंडर आता है, सीबीईसी एंड सीबीडीटी, ठीक है, तो दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। तो बच्चे उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। आईएएस बच्चे यूपीएससी, SSC and UPSC, Union Public Service Commission, या State Public Service Commissions, आपने शहर का DC बनना है, IPS Officer बनना है, IFS बनना है, that is Indian Foreign Services, या फिर Indian Forest Services, दो तरह की IFS होती है। आपने सुना होगा कि Foreign Countries में India की Embassies हैं, जैसे India में, यहाँ पे Delhi में Other Foreign Countries की Embassies हैं, वहाँ पे फॉरनर्स काम कर रहे हैं, ऐसे ही बच्चे फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस काम कर रहे हैं इंडिया के लिए एम्बेसीज में। तो बच्चे दैट इज डन थ्रू IFS, IRS, सर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आप ये एग्जाम क्लियर करें। ये सब बच्चे यूपीएससी के अंडर ही आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक्स, आप इन एग्जाम्स के रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको ये पोस्ट अलॉट हो जाती है। IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आप सीधा इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर बैठेंगे। सर मैजिस्ट्रेट बनना है, SDM बनना है, जज बनना है, सॉलिसिटर बन रहा है। ये है बच्चे सम ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज जहां पे आप क्लियरली देयर इज एन एंडलेस स्कोप, आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत सारे पैसे हैं, एंड दैट टू विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। सीए आप करें, आप कोचिंग्स के साथ भी करेंगे, जो आपको प्राइवेट पर्सनल कोचिंग लेनी पड़ेगी, कोई भी कोर्स कीजिए, किसी की 4 साल की 5 साल की फीस मिला के 3 लाख 4 लाख से ऊपर नहीं है, सर 5 साल में 4 लाख, यानी 1 साल में अप्रोक्सीमेटली 80,000, जो आपकी शायद स्कूल फीस के बराबर है, जो आप +1 +2 में पे कर रहे हैं। आप अभी +1 +2 में 50,000 या 40,000 पर एनम पे कर रहे हैं। सर यहाँ पे विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट यू आर गेटिंग मैक्सिमम रिटर्न। और कॉमर्स में हम यही सब सिखाते हैं कि सर इन्वेस्ट एट अ प्लेस जहां से आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। सर ये कोर्सेज तो आपने बहुत कम सुने होंगे। अब आपने जो सुना होगा वो ये कि सर आफ्टर 10+2 बच्चे क्या करते हैं, सर बीकॉम करते हैं, दैट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कोर्सेज। सर बीकॉम कर लिया, बीकॉम इन ऑनर्स कर दिया, बीए इन इकॉन ऑनर्स कर दिया, सर दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमन कोर्सेज जो बच्चे करते हैं। द पॉइंट लाइज सर वो कहां से किए जा रहे हैं। एक तो ये कि आप अपनी सीटी किसी भी लोकल कॉलेज से कर लीजिए जिसकी कोई डिमांड नहीं है, ठीक है, डिमांड का मतलब समझ रहे हैं, जहां से कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, बस वहां पे आपको थ्योरेटिकल वर्क करवा दिया जाता है, एंड दैट्स ऑल। द पॉइंट लाइज कि आप इन कोर्सेज को करते कहां से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल DU सर दिल्ली यूनिवर्सिटी, लॉयला कॉलेज चेन्नई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी चेन्नई, आप चंडीगढ़ से करते हैं, आप बेंगलोर से करते हैं, आप कहीं और अच्छी जगह से इन कोर्सेज को परस्यू करते हैं, तो भी इनका स्कोप एंडलेस है।
some of my students are pursuing BCom honors and BA Eco honors, BMS from Hansraj College, Hindu College, Shri Ram College of Commerce. बच्चे ये North Campus के colleges हैं, DU के, Delhi University के, Karodimal College, St. Stephen's, उसके बाद Hindu College, शायद मैंने नाम बोल दिया, Hansraj College, एक और है बच्चे Ramjas College, Miranda House. तो ये कुछ colleges हैं जहाँ पे North Campus के DU में, Maharaja Garsan Colleges. तो बच्चे वो साउथ कैंपस में है. सर दीज आर सम ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पे आपको जाने के बाद कोर्स के साथ साथ एक बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलता है, वेयर यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर. रीजन बीइंग सर, उस जगह पे स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड वहां पे जाके इकट्ठे होते हैं, और जब ऐसा एक एनवायरमेंट बनता है तब आपको सीखने के लिए ऑटोमेटिकली बहुत कुछ मिलता है. तो सर बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीए इको ऑनर्स, जिसके लिए आपको प्लस टू में अच्छी खासी परसेंटेज चाहिए, वो तभी आएंगी जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड आप अच्छे से स्टडी करते हैं. सर बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बहुत ही जबरदस्त स्कोप है. आप इससे ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद इसी में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए. बीबीएस, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, कुछ ही कॉलेजेस करवाते हैं सर. बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बच्चे बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा कोर्स है जिसको करके इसके बाद आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए. मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और अच्छे अच्छे बैंक्स में, अच्छे अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, जो लोगों को पैसा देते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, वहां पे एक एनालिस्ट की जॉब कीजिए. एनालिस्ट की जॉब में वन ऑफ माई फ्रेंड्स यूज टू वर्क इन डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, उसका स्टार्टिंग पैकेज आज से, मेरे फ्रेंड का स्टार्टिंग पैकेज आज से अराउंड 8 इयर्स पहले इट वाज रुपीज 9.6 लाख पर एनम. आज से 6 साल पहले, मैं प्रेजेंट नहीं बता रहा हूं. तो जस्ट थिंक ऑफ द कोर्स बीबीई एंड देन एमबीई, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. बच्चे रीजन बीइंग उन्होंने ये कोर्सेज बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज से किए, हो जाता है एडमिशन, हो जाता है प्रोवाइडेड आप प्लस वन टू पे अच्छे से फोकस करें तब. सर इन केस आपने कंप्यूटर लाइन में जाना, आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर से, अरे भैया कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो इतने बच्चे जब बीसीए एक अच्छा ऑप्शन है, उसके बाद एमसीए कीजिए, अच्छे से इसको परस्यू कीजिए. एंड वैल्यू नॉलेज की है बच्चे, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. बच्चे बैंकिंग कंपनीज में, इंश्योरेंस कंपनीज में आपकी बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट होती है. बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, बच्चे शेयर मार्केट, आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना हो, जहाँ पे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग शेयर्स होते हैं, आप उसमें कोर्स कीजिए. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है सर, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की किसी के पैसे को किस तरह से कैसे इन्वेस्ट करना है और अकॉर्डिंगली मैक्सिमम रिटर्न्स आनी चाहिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकर. आप इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं. एंडलेस स्कॉप है होटल मैनेजमेंट, बजट प्लानिंग, ठीक है. एक और मैंने यहाँ पे चीज लिखी है बच्चे, टेस्ट, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज. अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो टाटा ने स्टार्ट किया है मिस्टर रतन टाटा के थ्रू, और इट ऑफर सम ऑफ द वेरी गुड कोर्सेज विद अ गारंटेड पैकेजेस, गारंटेड कैंपस प्लेसमेंट्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज. मुझे इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही करवा रहा हूं आपको कि व्हाई चूज कॉमर्स, उसका रीजन यही है कि सर एंडलेस स्कोप है. मैंने आई थिंक ये जोड़ दिया. इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम, बच्चे एमबीए, एमबीए में, एमबीए सुनो ही, कोई भी एमबीए घूम रहे एमबीए में, उसके बाद आगे सेग्रीगेट होती है. तो मैंने 50 प्लस कोर्सेज लिखे, एक्चुअल में ये बहुत सी कोर्सेज हैं सर. कोई प्लानिंग में कर रहा है, कोई मैनेजमेंट में कर रहा है, कोई फाइनेंस में कर रहा है, कोई मार्केटिंग में कर रहा है, कोई एचआर में कर रहा है, कोई इंटरनेशनल बिजनेस में कर रहा है. सो देयर आर वेरियस कोर्सेज इन एमबीए एज वेल. और एवरेज पैकेज एमबीए इन केस अगर कोई फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बच्चे डीयू नॉर्थ कैंपस में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, या आपने आईआईएम का नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडिया में कुछ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स हैं.
कोई यहाँ से एमबीए कर लेता है तो सर उसका गारंटेड पैकेज ऑन एन एवरेज 25 लाख पर एनम रिलीज होता है। दैट इज एन एवरेज पैकेज 25 लाख पर एनम। एफएमएस से किया आपने या आईएएम, अच्छे आईएएम से किया सर। मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको बताया एमबीए फ्रॉम आईएएम इंदौर। सर आफ्टर प्लस टू यू कैन डायरेक्टली परस्यू 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ एमबीए, जहां पे आपको बीबीए प्लस एमबीए आईएएम इंदौर से करने की एलिजिबिलिटी बन जाती है। प्रोवाइडेड प्लस टू के बाद आप इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्लियर कीजिए एंड देन यू डायरेक्टली गेट एडमिटेड इनटू आईआईएम इंदौर। सर बिजनेस कंसल्टेंट्स एनालिस्ट हैं, सो देयर इज एंडलेस स्कोप इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। और बच्चे अगर आपको आगे कहीं भी किसी भी फील्ड में डाइवर्स होना है तो आपके पास एंडलेस ऑप्शंस है। आप यहाँ पे जाके यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे जाके यहाँ पे भी आ सकते हैं, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। रीजन मीन आपने जो बेसिक्स पढ़े हैं, जो आप बेसिक्स पढ़ोगे प्लस वन टू में, वो सभी जगह सेम एप्लीकेबल होंगे। कॉमर्स में जाइए और आई एल्स के थ्रू मूव ऑन टू सम फॉरेन कंट्रीज, जहाँ पे आपको लगता है। और आजकल तो वैसे भी फॉरेन कंट्रीज में कोरोना आया हुआ है, ठीक है, तो अपना इंडिया ही सेफ है। स्टे एट होम, स्टे सेफ, डू यूटिलाइज योर टाइम टू द मैक्सिमम। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन व्हाट्सएप मी डियर। ओके, थैंक यू।